लेडीज और उनके जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग खेलने वाले हैं एक मनहूस सा गेम जिसका नाम है फ्री फायर। और हाँ, बारे में बोल दूँ, वहाँ पर मैं वॉइस ओवर किया है, सो इधर से उधर हो सकता है, सो उसके लिए मुझको माफ़ कर देना है। थैंक। सो गाइस, आज हम लोग एक क्लैश स्क्वाड गेम खेलने वाले हैं। हाँ, मेरे एक नूब भाई के साथ। अब मैं उसको नूब बोला, आप ऑफकोर्स गेम जब का पता चल जाएगा। एंड आज मैं प्रीवियसली बोला मैं यह वॉइस ओवर कर रहा हूँ, सो प्लीज इधर से उधर हो सकता है। हाँ, सो मैं यहाँ पर सामने जा रहा था एक बंदे को मारने के लिए, और वहाँ पर उसको बहुत एयर ड्रॉप की तरह सो रही थी, तो मैं एयर ड्रॉप उठाया और स्काई भी मिला। और सामने गया तो एक बंदे को, ऑफलाइन बंदा है वो, दूसरी बात है, पर हाँ एक नॉक भी करा। पहले तो ऑनलाइन को मारने की कोशिश किया, चुमू मरता नहीं है, एक नंबर का नोबड़ा। उसका इसको हेड मार दिया, हेड शॉट, उसका इसको मारने गया तो पीछे से और एक बंदा मार गया, चुमू लोग, यू नो चुमूज लोग। हाँ, मैंने उसका सोचा कि मैं तीन टीममेट कुछ कोई तो एक उखा लेगा कुछ, बट मेरे कितने तीन अच्छे अच्छे टीममेट थे, क्या ही बोलूँ। हाँ, ये बंदा मेरा भाई एक अच्छा खेल रहा था, दोनों को मार दिया, पर ऑफकोर्स एक जन्म उसको हेड लगा के चला गया। एंड उसके बाद मैं सोचा चलो ये दोनों कुछ कर लेंगे। उस बंदे को मैं बोला रिवाइव दो, मेरे भाई को बोला ओके फैमिली कंटेंट। हाँ, तो उसके बाद मैंने क्या ही बोलूँ। और अब देखो यार, यहाँ पर मैं कुछ आई एम स्पीचलेस, सीरियस मैं कुछ बोल सकता ही नहीं हूँ भाई, क्या ही। ये पहला राउंड बहुत ही गंदा तरीके से निकला था ना। अब देखो यार, तो क्या ही बोलिए। हाँ, पता नहीं कहाँ से ये टपका, बट टपका और ये उस बंदे को मार गया। ये बंदा थोड़ा डैमेज तो दिया था, वो तुक्के से लगा, सबको पता है डैमेज तो दिया था, पर क्या ही करे यार, स्काई थे उसके पास, मार गया। सो ऐसे करते मेरा हम लोगों का वही आज से फर्स्ट राउंड निकला। उसके बाद आया सेकेंड राउंड, और सेकेंड राउंड में मैंने सोचा चलो मैं उजी ले लेता हूँ, किसी को तो मार दूंगा। सो मैं उजी लिया और एक ग्लोबल ले लिया। सो और वो सब बाकी सब लोग भी गन ले लिया, पर मेरा भाई इतना प्रो ली था, चोमू ने M500 लिया था, मतलब क्या ही बोलो भाई, मैं मेरा इमोट देखे पैसा है अब उनके पास। हाँ छोड़ो, पैसा क्या तेल लेना है भाई, बहुत कमी है यार, कोई दे दो। उसके बाद सामने गया मैं उजी को लेकर स्टाइल मारते हुए, और सामने जाते मैं घर में घुसा। घर में घुसने के बाद मैं फिर से इधर गया, और सामने को मेरे को एक वुकोंग दिखा, पर उस वुकोंग को मैंने क्या क्या पता है। अब देखो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा गाइस, दिस इज अ सीक्रेट, किसी को मत बोलना। बाय द वे, मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा, इस बंदे को मैंने नहीं मारा था, ये बंदा को मेरा खिल चोरी कर लिया इस, तो मुझको मिला था ऑग सामने। मैं सोचा चलो एयर ड्रॉप लूँ, तो बस सामने एक वुकोंग का बंदा, और मैं इसको हेड मार दिया। ऑफकोर्स यू नो ये मेरी प्रो एट दिस गेम। इसके अंदर मारने के बाद मैं चला चला लूट कर लेते, पर पता नहीं कहाँ से मुझको अच्छे से लूट भी कर लिया, MP5 मिला, मैं इसको रिलोड कर लिया, मस्त गया। बट सामने मैंने देखा कि मेरा नूब भाई तरस रहा है एक किल के लिए, सो मैं इसको आकर एक किल दे देता हूँ, या मैं एक किल ले लूँगा कुछ भी है। सो मैंने सोचा चलो मैं इसको मार देता हूँ। मैं मारा है पीछे से एक नूबड़ा चोमू गधा आकर मुझको मार के चला गया। एंड अब सोच रहे होंगे चलो अभी तो मार ही देगा, 1v2 तो कर ही लेगा मेरा एक टीममेट, पर मेरा टीममेट तो क्या ही बोलो। देखो यार, मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं। हाँ, सो मुझको जोन पे मरना पड़ा, और उसके बाद मेरा एक टीममेट उठ रहा था एल शेप में, और वहाँ से वो बंदा भाई पूरा बॉट की तरह चल रहा था, सीरियसली बॉट की तरह, तो मारा, बट उसको ऑफकोर्स मार देगा भाई, नोबड़ा थोड़ी है ओपोनेंट्स। बट इस राउंड के बाद सबसे बेस्ट बोले तो सबसे बेस्ट 3 राउंड 4 राउंड्स हुआ। उसके बाद एक्चुअली हाँ, ये मेरे लिए सबसे वाहियात राउंड था, सीरियसली आपको पता चल रहा है क्यों। सो मैं सामने सोचा चलो जाते हैं, थोड़ा छुप छुप के जाएंगे, मेरा पूरा गुस्सा हो गया क्योंकि भाई 2-0 हो गया था। मैंने सोचा चलो चलते हैं। सो मैंने गया,
मैंने सोचा चलो मैं इधर चला जाता हूँ, तो मैं इधर से ले गया, पर सामने पता नहीं दो दो बंदे ऐसे रस्सी में छुप गया था। मैं सोचा यूएसपी से मारूं, पर हाँ मेरा इतना दम नहीं था, पर मेरा भाई ने उसको पता नहीं क्यों मेरा किल चोरी टाइप कर दिया था, क्योंकि मैं उसका हेड मार दिया था। पर ऊपर से भाई एक बंदे ने ऑक चला रहा था, भाई मस्त चला रहा था ऑक सच में बोलूँ तो, और मेरा भाई इतना नूब है भाई, वो खड़े होकर दे रहा था भाई। मैंने उसको बोला क्राउच कर लेते हैं, इसलिए करा भाई, नहीं तो जाता आज उसका हेड। सो मैं सोचा चलो मैं फिर से बार ट्राई करता हूँ उसको मारने, भाई पर फिर से नॉक कर दिया। पर खुदा के ये क्या बोले, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, गॉड सेक, हाँ इंग्लिश में बोल देता हूँ, भाई गॉड सेक मेरे भाई ने मुझको बचा लिया। और मैं सोचा चलो उसको मार दूंगा अभी, क्योंकि मेरा हेल्थ भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फुल हो रहा था केक की चमत्कार से, एंड सो मैं सोचा चलो रश कर देता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मैं रश किया और ये हुआ, और बाय द वे इसको मैं मारा था। सो ये ऑग से उसको मारा, सो मैं सोचा चलो इसका पहले तो किल कंफर्म करो, पर पीछे से मैं जब तक किल कंफर्म करता पीछे से और एक बंदा मार गया मुझको, और यह भाई मेरा इसके लिए गेम खलास हो गया इस राउंड के लिए। सो उसके बाद मैं दो टीम मेट बचे थे, मेरा भाई और एक पता नहीं कौन जिसका नाम उसको पता नहीं वो जिंदा था। सो मैं सोचा चलो अब तो भाई जीत लेंगे, और यहाँ पर देखो भाई ये क्या है, नहीं मार भाई, पर नहीं भाई भाई एक कैसे शॉर्ट रेंज में खेल रहा है। बट उसके बाद मेरा भाई मेरे पास में बैठा था, मैं उसका फोन लेकर खेला सीरियसली, हाँ ये है ये मैं उसका फोन लेकर खेल रहा हूँ भाई, तो बोल दूँ। सो मुझे ये सामने बंदा दिखा, सो मैंने सोचा अब ठीक है। सो मैंने सामने यहाँ से निकला, और मुझको बंदा थोड़ा डैमेज दे दिया था, बट अपुन है प्रो ब्रो। मैं इधर आया और उसको भाई पार्ट से, अपुन इज वेरी प्रो गाइस, यू नो मैं उसको इमोट भी दिखाने का सोच रहा था, पर हाँ नहीं दिखाया, बिकॉज यू नो आई रेस्पेक्ट प्लेयर्स। छोड़ो अब रेस्पेक्ट की बात करें, तो अगर आप लोग मुझे रेस्पेक्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी तक देख रहे हो और आपको पसंद आ रही है, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बाय द वे थैंक्स फॉर 50 सब्सक्राइबर्स गाइस, मतलब एक वीक बोल सकते हो बहुत जल्दी इंक्रीज हो, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लव एंड सपोर्ट। सो और अगर हाँ आज का वीडियो थोड़ा डिले हो गया था, बिकॉज हाँ मैं थोड़ा रिकॉर्ड ही डिले किया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और हाँ कल मंडे है, कल इंडिपेंडेंस हैप्पी इंडिपेंडेंट सॉरी एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और जो लोग इंडिपेंडेंस डे के दिन देख रहे हैं इंडिपेंडेंस डे जय हिंद गाइस, जो लोग इंडिया से है। और आज आज है 14th अगस्त, सो आज जो पाकिस्तान के लोग का इंडिपेंडेंस डे है, सो हाँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान इज ऑल, जो लोग मुझको पाकिस्तान से देखते हैं, हाँ लोग खुद लोग देखते हैं, मैं देखा था। सो ओके उसको इंडिपेंडेंस बाद में आपको विश कर दूंगा लास्ट में। पर अब यहाँ पर जो हुआ भाई, मैंने उस बंदे को मार दिया था, पर क्या ही बोलूँ, अगर मैं डोंट हेल्प मी चिल्ला रहा था मैं और मेरा भाई, पर कोई भी दोनों टीममेट इतने बड़े मतलब आप क्या ही बोलूँ, इतने बड़े चोमू थे, कोई भाई नहीं करना आया भाई, हम लोग को तड़पा तड़पा के मारा, और मेरा कोई किल भी कन्फर्म नहीं हुआ, इस बंदे ने उसको रिवाइव कर दिया। और यहाँ पर फनी इंसिडेंट हुआ कि वो रिवाइव करने के बाद मेरे पास आया कि मैं टीममेट हूँ, और मैं जब देखा कि वो उसका मुझे मार दिया, सो मैंने सोचा चलो इन दोनों ने रिवाइव नहीं किया तो थोड़ा जिता तो सकते, क्योंकि क्योंकि भाई और इस बंदे का मतलब पता नहीं गांजा खांजा खूब क्या है। और उसके बाद ये बंदा ने एक को नॉक भी कर दिया था अच्छे से, बट उसके बाद जब बट उसको उस उसके बाद ये बंदा उस बंदे को पास में था, वो तो रिवाइव भी ले गया, बट उसके बाद जोन तो एक है चीज़, तो जोन आया तो उसके लिए उन लोगों को नीचे उतरना पड़ा, और जब नीचे उतरा अब देख लो क्या हुआ। सो यहाँ पर इस बंदे ने नॉक कर दिया, पर भगवान के नाम पे ये बंदा उसको रिवाइव दे दिया, और करते ही वो नीचे उतर दिया, वो पिछले राउंड तो मर ही गया था, बट पता नहीं कैसे ये लोग सर्वाइव कर गए थे 5-6 सेकंड के लिए यहाँ पर, बट हाँ ऑफकोर्स वो उसको मार ही दिया। और इसके बाद मेरा कमबैक देखो गाइस, कमबैक क्योंकि मैं मुझको आ गया था गुस्सा, अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ता, अब देखो गाइस मेरा कमबैक देखो। और हाँ कमेंट करने में ज़्यादा कुछ होता नहीं, बट मैं फिर से आपको बोल दूँ कि अगर लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना, और जो इंडिपेंडेंस का बात कर रहा था
प्रॉब्लम होता है, मैं बोलता हूँ या शांत रहने पर कोई शांत रहता नहीं है, क्या ही बोलूँ अब मैं। सो उसको चलो गेम में फोकस करते हैं। सो हमें ऑफ लिया था और उसके मैं अपने भाई को बोला था अपना पीए जाने, क्योंकि हम लोगों का लास्ट राउंड था, क्या तो लास्ट राउंड यानी वो यहाँ पर हम लोग मरते गेम का लास्ट था। सो मुझे पीछे चलने के लिए, सो मैं पीछे गया और सामने एक बंदा मिला जो मुझको पहले दिखा नहीं था, मेरे भाई को दिखा था, मुझको बहुत डैमेज दे दिया था, इसलिए मैं थोड़ा अपना के ऑन किया, उसको मारा था, पर अपन ने उसको मार दिया और उसको मेरे भाई को रिवाइव दे दिया था। बट उसके बाद वो बंदा तो जोन में मर गया था, मैंने सोचा चलो यहाँ पे उसको लॉल दिखा देता, मुझे पता नहीं चोमो कहीं का मेरा भाई उसको मार ही गया, लॉल भी नहीं दिखा हुआ। सो एनी डे उसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पर से, तो मेरा भाई जोन में मर गया था क्योंकि उसका हेल्थ कम था, तो थोड़ा जोन में डैमेज नॉक हो गया था। तो मैं सामने एक और एक बंदा को देखा, उसमें से ऑक्स हेड से नॉक किया और सामने में जब तक जा रहा था कि M4 उनका नाम क्या है, यहाँ MP5 से जा रहा था, तो मैंने पर वो उन लोगों के दोनों भगवान के नाम मार गया। और हाँ, और मैं यहाँ पर लास्ट मोमेंट में दो गोली और M14 का अपग्रेड लेवल ले लिया था, मज़ा आया। एंड अब ये देखो है ना, ऊपर जो लोकेश गेमर का ये नोटिफिकेशन, उसको प्लीज़ इग्नोर करो। हाँ मैंने सब्सक्राइब किया है इसलिए, बट उसको भी प्लीज़ इग्नोर करो। और चलो अभी देखते हैं धीरे धीरे होता है क्या, आप लोगों का थिंक पता चल ही गया होगा अब क्या होगा, क्योंकि अभी नहीं तो मैं ये वीडियो पोस्ट ही नहीं करता। एनी डे उसके बाद सामने मैंने गया ये M14 लेकर, बट मैं तो चलो ऊपर चला था, सो मेरे साथ और उधर टीममेट्स भी आ गए थे, सो चलो मैंने सोचा ऊपर से मार दूंगा, पर ऊपर से पता नहीं कहाँ था वो बंदा, सच बता रहा हूँ, उसको उस गेम में ढूंढने नहीं पाया था, मारने में मार गया था, बट पता नहीं वो बंदा कहाँ से मारा था, अभी तक मैंने ढूंढा नहीं था, आपको मैं दिखी भाई, मैं सच में अगर देख ही नहीं पाया था, बट लकीली मैं यहाँ पर सर्वाइव कर गया था। सो अब और ये राउंड मेरे लिए सबसे फेवरेट राउंड है, सो आप लोग भी देखो। एंड अभी इस वीडियो का 12 मिनट तक हो गया है, अभी और 3 मिनट टाइप का बाकी है। सो उस 3 मिनट के इंटरवल में ये राउंड छोड़कर, इस राउंड के बाद उस 1 मिनट के इंटरवल में आपको गाना चला कर देखूँगा। सो हाँ, क्योंकि उसे कॉमेंट करना कि आपको मेरा गाना वाला वीडियोज आई मीन शॉर्ट्स पसंद है या लॉन्ग वीडियो चाहिए, सो उसको प्लीज कॉमेंट करना। और वीडियो में हाँ यार बोल देता हूँ यार, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और सब ये राउंड देख लो, उसके बाद लास्ट में फिर बोलूँगा यार सब्सक्राइबर का भी ज़रूरत है ना, इसलिए बोलना पड़ता है। और बाय द वे अरे ये बंदे को देखो भाई, मैं इसके बंदे को भाई एक गोली भी चला, दो ग्लू वॉल भी लगाया, पर फिर भी नहीं माना। उसके बाद मैं मार के यहाँ पर इसको गेम का लास्ट कर, मुझको किल कन्फर्म करना था क्योंकि मैं सिर्फ सोलो बजा था, यहाँ पर एक ओपी सा क्लच किया मैंने। अब देखो भाई इसमें ऊपर सीरियसली ऊपर M14 से पूरा क्लच किया और इस बंदे को मैंने पहले नॉक किया, उसके बाद मैंने सोचा इसको किल कंफर्म कर लेता क्योंकि पता नहीं कब रिवाइव दे देता, पर सामने और एक बंदा देखो, सो मैं इसको भी पहले नॉक कर दिया और एक बंदा आ रहा था उसको रिवाइव करने में, और उससे क्वाड्रा किल बोलते गाइस, और हाँ अपना बदला ले लिया लॉल दिखाकर। सो गाइस अभी आप देख लो गाना मैं चलाता हूँ, आप देखो। एंड हाँ, अगर आप वीडियो में पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट कर देना आपको कैसा वीडियो पसंद आएगा। सभी के लिए दुआ में याद रखना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड या हैव अ निर्वाण स्टे टू एवरीबॉडी। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, hey.
head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.